नमस्कार किशन भाइयों, आज में मेरा जो लेमन का बाग है, इस बाग में हम कुछ पूरी की पूरी डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे। गर्मी में ज़्यादा फल कितना आता है और किस किस टाइम पे ज़्यादा ज़्यादा फल इसमें आता है और इस फल का जो क्वालिटी होता है कैसा होता है। सो ये जो बाग आप देख रहे हैं, ये मेरा मदर प्लांट सेटअप है। इसमें ऑलरेडी गुट्टी कलम किया गया था, बहुत सारी इसमें से गुट्टी कलम लिया गया है। सब देख सकते कितना अच्छा फल फुलाया हुआ है। हालांकि गुट्टी कलम जब हम काटा था तब ज़्यादातर इसका आधा फल गुट्टी का ऊपर ही रहता था, जैसे कि ये जो देख पा रहे हैं आप, इसका ये जो गुट्टी किया गया है। तो इधर से हम काट लेंगे तो ये जो फल है, फल सभी फेंक देना पड़ेगा या सेल कर देना पड़ेगा। ये देखिए, ये सभी जगह से ये जो जगह देख रहा है, इस जगह से ये सभी जगह से मैक्सिमम जगह से हम गुट्टी कलम काट करके ले लिया है, लेकिन पैकेट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें उसका आधा फल भी अभी नहीं है, जो भी फल देख रहे हैं आधा का भी कम, डेढ़ साल के हिसाब से प्लांट में फल है। तो आप देख सकते हैं ये जो फल है, हम कैसा क्वालिटी है वो हम आपको दिखाएंगे। आपको हम फल भी मेरा जो भी इधर प्लांट है, ये जो मेरा मदर प्लांट इधर दिखाएंगे कितना ज़्यादा फल। ये जो प्लांट है आप इस प्लांट में देखिए, अभी भी जो फल बचा हुआ है, ये जो एक एक डाली में देखिए, एक एक ब्रांच पे कितना सारी फल आया हुआ है आप देख सकते हैं। और ये जो फल है थोड़ा ही कंटिन्यू चल रहा है मेरा, जैसे कि ये जो साइज है, ये साइज, ये जो है पीला होना चालू हो गया, ये सभी मैच्योर फल है। तो ये जो फल है इस साइड में, ये सभी फल थोड़ा ही हो जाएगा, लगभग और भी 2 महीना चलेगा ये। जैसे कि ये जो साइज है अभी भी छोटा छोटा फल भी है, तो 12 मासी है ना, तो इसीलिए इसका फल लगभग जब तोड़ाई चालू होता है 3 महीना 3.5 महीने इस तरह से चलते रहता है। तो सिर्फ हम एक ही प्लांट में आपको नहीं दिखाएंगे, अब इस साइड से भी देखता तो ऐसे भी जगह में आप देख सकते कितना अच्छा फल आया हुआ है। और फल का क्वालिटी देखिए आप, ये जो देखिए, ये जो ब्रांच, इस ब्रांच में आप देखिए 2, 6, 9 फल अभी भी है। और इसमें से फल थोड़ा, ये जो है हार्वेस्टिंग का लायक फल है। और ये जो फल है कितना चकाचक स्मूथ फल है देखिए। और इंडियन मार्केट में इस फल का ही सबसे अच्छा डिमांड रहता है। ये फल आप 2 दिन ऐसे ही तोड़ के रख दीजिए, पूरा फुल पीला हो जाएगा। ओके, और कितना स्मूथ इसका आप स्किन देखिए। ओके, सो इधर भी हम देखते तो देखिए, ये सभी फल मैच्योर हो गया है, ऑलरेडी हार्वेस्टिंग चल रहा है मेरा इस फार्म से। देख सकते हैं ये जो फल है ये सभी फल क्या है, मैच्योर हो चुका है। और इसका साइज़ देखिए, इस साइज ही इंडियन मार्केट में सबसे अच्छा डिमांड रहता है। जो 35, ये जो फल आप देखते हो तो 35-40 ग्राम का साइज आएगा। और ये फल हम काट करके भी आपको दिखाएंगे। अब इस साइड में ये जो प्लांट है, इस प्लांट में भी देखता तो छोटा सा इसमें गुट्टी कलम सभी लिया गया है। अभी भी कुछ कुछ जिसमें रूट नहीं आया वो अभी तक लिया नहीं। इस सभी जगह में आप देखिए कितना अच्छा फल इसमें आया हुआ है। ओके, सो अब वो जो प्लांट हम देखा है, इधर भी आप देखता तो इस साइड का ये जो प्लांट है, इस प्लांट में भी कितना सारी फल आया हुआ है आप देखिए। ओके, तो अब इस साइड में आता तो मेरे पास जितना भी प्लांट है, लगभग सभी प्लांट में फल फूल इस टाइम पे भरा हुआ है। इसका ये जो वैरायटी है, इसका लगभग 70% का ऊपर जो फल आता है वो आता है गर्मी में। और फल का कितना लुक अच्छा है वो तो आप देख ही रहे हैं। हम इस पेड़ से भी 2 फल हार्वेस्टिंग करके दिखाएंगे। देखिए ये जो फल है, देखिए कितना चमकदार इसका फल होता है। ओके, ये जो फल है, ये सभी फल देखिए, यही होता है कागजी 12 मासी लेमन का, मेरा जो वैरायटी है उस वैरायटी का क्वालिटी। ओके, सबसे बेस्ट क्वालिटी इसका ही फल होता है। और इंडियन मार्केट में सभी जगह में इस फल का ही सबसे अच्छा डिमांड रहता है। देखिए ये सभी फल लगभग पीला हो गया है, हार्वेस्टिंग का लायक हो गया है। ये सभी फल, ये जो फल है, ये सभी फल कितना चमकदार हो गया देखिए आप। ये जो फल है आप 2 दिन रखेंगे, 2 दिन 1 दिन भी घर में रख देंगे तो ये फल पूरा की पूरा फुल पीला हो जाएगा इसका तरह। ओके, सो आपको हम इसका अंदर एक फल को काटेंगे, काट के दिखाएंगे। जो इसका अंदर सिर्फ फल तो बहुत गुड लुकिंग है आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अंदर कितना जूस रहता है, कितना
ये तो खट्टापन काफ़ी अच्छा खट्टापन इसमें रहता है। सीड भी अंदर पाँच करके चार पाँच करके सीड रहता है। और देखिए हम ये जो फल है इस फल को भी तोड़ के देखते हैं। देखिए लगभग सभी एक ही साइज़ का फल होता है इसका, लगभग आपका 19-20 सभी 35-40 ग्राम का जब फुल मैच्योर, ये जो फल है लगभग फुल मैच्योर है। ओके, और एक इसका अंदर से हम एक फल को तोड़ के दिखाएंगे। ये जो फल है इस फल को हम तोड़ के दिखाएंगे कैसा क्वालिटी है। ये जो फल है इस फल को अभी हम आपका सामने तोड़ के दिखाएंगे इस फल का क्वालिटी कैसा होता है। सो देख सकते हैं कितना चमक लुक कितना अच्छा है इसका। और ये हम अभी काटेंगे, देखिए काटते काटते भी जूस निकल रहा है। देखिए इसका अंदर सीड रहता है जो पहचान होता है कागजी नींबू का। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सीड होता है इसमें जो कागजी लेमन का पहचान होता है। ओके, और इस फल का हम जूस निकाल निचड़ तो देखिए, जूस देखिए आप। देख सकते हैं आप कितना अच्छा जूस है इसमें। ओके, स्लिप हो रहा है हाथ से, काफ़ी ज़्यादा इसमें जूस रहता है। ओके, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जूस रहता है, स्लिप हो रहा है हाथ से, देखिए आप अभी भी इसमें जूस है बहुत सारे, हम ठीक से नहीं निचड़ पाया। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इसमें जूस रहता है बहुत ही ज़्यादा। ओके, देखिए कितना ज़्यादा इसमें जूस होता है। यही वैरायटी की इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है। ओके, देखिए ये जो जगह पूरा भीग गया है पूरा। सो ये देखिए ये जो छिलका भी देख सकते हैं, हम छिलका भी आपको दिखा रहा है कितना पतला होता है। बहुत ज़्यादा पतला जो छिलका होता है वो कुमकट लेमन में होता है जो अच्छा नहीं होता, पर इसका छिलका देखिए पूरा की मीडियम छिलका होता है, बहुत ज़्यादा पतला छिलका नहीं है। और इसका कीपिंग क्वालिटी, इसीलिए इसका कीपिंग क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ओके, अब देख सकते हम लेमन काट करके बहुत सारी इसका पहले ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाया था, अब चाहे तो वीडियो भी जाके देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें जूस रहता है। कप छोटा कप में भी रख के हम दिखाया था कितने ml एक फल में जूस रहता है, दो फल में जूस रहता है। सो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सो ये होता है कागजी लेमन का सबसे बेस्ट वैरायटी, जिसके ऊपर आप काम करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप पहला साल से इनकम इसमें से चालू कर सकते हैं, जबकि दूसरा कोई भी वैरायटी लगाएंगे तो 3-4 साल लगता है सिर्फ प्लांट रेडी होने के लिए। और जो प्लांट हम लोग छोटा प्लांट भी जो देते हैं उसमें भी कुछ प्लांट में फल फूल आया हुआ रहता है, और बड़ा प्लांट भी हम लोग जो देते हैं जो 2.5-3 फीट का भी होता है, 4-4.5 फीट का भी होता है, और उसका तो 90% प्लांट में फल फूल लगा हुआ रहता है उसी प्लांट पर। और हम लोग बहुत ही रिजनेबल प्राइस में प्लांट ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड करते हैं। आपको प्लांट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगे तो आप आ भी सकते हैं मेरा फार्म पे, मेरा नर्सरी पे विजिट भी कर सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। और कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। Thank you.